नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरक्काबाद जिले में सैकड़ों सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। उन स्कूलों में बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक ले जाने व लाने की जिम्मेदारी तीन पहिया वाहन वाली टैक्सियों को दी गई है, जिनका लाइसेंस केवल तीन सवारी ढोने का होता है। स्कूली परमिट नहीं होता, लेकिन वह एआरटीओ की मेहरबानी से तीन की जगह 13 बच्चों को बैठाकर टैक्सी चला रहे हैं। जिले में लगभग एक दर्जन से ऊपर मानव रहित क्रॉसिंग है, जिनसे सभी लोग गुजरते हैं। उन्हें रेलवे के नियम भी मालूम नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालकर उससे गुजरते हैं। दूसरी तरफ जो क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद स्कूली बच्चे रेलवे लाइन पार करते हैं, उधर बच्चों की जिंदगी की बात जिला प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब टैक्सी चालकों से अधिक बच्चे क्यों बिठाते हैं इस बारे में पूछा गया, तो बताया कि मैं 4 सालों से यही काम कर रहा हूं, कभी किसी अधिकारी या स्कूल प्रशासन ने मना नहीं किया। जब टैक्सी में बच्चे अधिक होते हैं तो आमदनी भी अधिक होती है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में दिखाई दे रहा है? ज्यादातर स्कूलों में बिना कागजात की टैक्सियों को बच्चों को लाने ले जाने के काम में लगा रखी है। स्कूल प्रशासन अपने स्कूल के नाम पर बहुत ही कम वाहनों के परमिट लेने को तैयार होते हैं। दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्राइवेट टैक्सी को महीना बंदी करके उन्हीं से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन कभी भी अभिभावक ये नहीं देखते कि इस टैक्सी में कितने बच्चे बैठाए जा रहे हैं, जिसके कारण टैक्सी चालक दर्जनों बच्चों को ले जाते हैं। जब टैक्सियों द्वारा स्कूली बच्चों को ढोने की बात एआरटीओ संजय झा से की गई, तो उन्होंने बताया कि ओमनी वैन व टैक्सियों को अनाधिकृत तरीके से स्कूल मालिकों ने स्कूल में लगा रखी हैं, लेकिन उनका कोई भी लिखित समझौता नहीं होता है, जिससे स्कूल प्रबंधन व बच्चों के परिजनों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजें। जिला प्रशासन से मिलकर इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए सतत जो है प्रवर्तन कार्रवाई होती है, चालान ही होता, बंद तो हो नहीं पाता, बच्चे रहते हैं, थानों में भी जगह का अभाव है, बंद नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों को खतरे लेके चल रहे हैं, तो गलत हो, तो विश्वविद्यालय विद्यालय प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। 304(1) का अगर मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन भी जिम्मेदार होगा। केवल मालिक ही, गाड़ी का ऑनर ही नहीं जिम्मेदार होगा, ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे हिसाब से जो है अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो हम 1 तारीख से इस पर ड्राइव चलाएंगे। स्कूल तो अब बंद होने वाले हैं, अभी तो हम लोग स्कूल जाके फिटनेस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 43 गाड़ियों को अनफिट पाया है, उसकी नोटिस भी जारी हो गई है। अभी इस तरह की जो छोटी गाड़ियों हैं, जो ऑटो है, मैजिक है, ज़्यादा बच्चे ठूस करके चल रहे हैं और शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय हैं। सर, देखा गया है कि जो गाड़ियाँ हैं इनके ड्राइवर जो हैं जो अनफिट रहते हैं, कि मतलब दारू भी खिला रहे हैं गाड़ी आते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 97 में गाइडलाइंस दिया है, 2000 में 97 में जब जमुना में बस पलट गई थी, उसके बाद आया है, उसमें कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस 5 साल पुराना होना चाहिए उस चालक का जो विद्यालय की वाहन को चलाता, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभिभावक और चालक और विद्यालय प्रबंधन के बीच में यदि कोई टैसिट एग्रीमेंट है, गुप्त समझौता है कि हम अपने बच्चे को भेजेंगे और ले जाएंगे, तो ये फिर इन तीनों की जिम्मेदारी होगी। आप इस वैन में बैठे हो, कितने लोग बैठे हो? 11 लोग। 11 लोग हैं, एक तरह भर लो, एक तरह बच्चों कहाँ खाली है? हाँ, जब बच्चे 4 आगे बैठा ले हो तो छोड़ो, कितने कितने का लाइसेंस है आपका? लाइसेंस कितने का है? नहीं पता कितने का है। तो आप मतलब लेके जितने बैठा उन्हें भूसे की तरह भर दो, लेके चल दो। नहीं भरते हैं। नहीं तो स्कूल से कितने बच्चे बैठा के चलते हो गाड़ी में? गाड़ी में 15 या 17 बच्चे। 15-17।